गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इसी टू इंस्टेंस पे एक हम लोग टेम्पलेट बनाना सीखेंगे। इसी टू इंस्टेंस पे एक टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। उस टेम्पलेट पे हम एक पैरामीटर फिक्स कर देंगे, कभी तो भी फ्यूचर में अगर आपको कोई भी इसी टू इंस्टेंस आपको लॉन्च करेंगे, राइट, तो ये इसी टू इंस्टेंस कभी भी आपको ये टेम्पलेट हेल्प करेगी इसके अंदर विदाउट टेम्पलेट्स, कि एवरी टाइम जब भी हम लोग इसी टू इंस्टेंस क्रिएट करने जाते हैं एवरी टाइम हम लोग हर चीज़ से फॉर्म पूरा फिलअप करना होता है। बट अभी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हम एक टेम्पलेट बनाएंगे। इस टेम्पलेट के अंदर जो भी अपने को इंस्टेंस क्रिएट करना है उस इंस्टेंस को हमने यहाँ पर इसको प्री पहले फिल कर लिया, और जब भी हम इसको लॉन्च करेंगे तब वो टेम्पलेट एक्टिव है। सो हम लोग कोई भी यहाँ पर टेम्पलेट बना सकते हैं, गूगल टू होता है, अमेजोन लिनक्स है, अमेजोन लिनक्स भी बना सकते, जो भी हम लोग को यहाँ पर टेम्पलेट क्रिएट करना है वो टेम्पलेट के अंदर जो भी हम लोग जो भी ई एम आई सेलेक्ट करना है, बट कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना है, कौन सा टी पी आई सेलेक्ट करना है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैं आ जाता हूँ उसके बाद अपने ए डब्ल्यू एस एक बंद करना, यहाँ पर मैं जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं जाऊँगा लॉन्च इंस्टेंस ऑफिस एक्चुअली में यहाँ पर बनाया हुआ है कैसे, बट मैं दिखाऊँगा कि कैसे चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट टेम्पलेट लॉन्च इतने जाऊँगा, यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट में सबसे पहले कुछ मैं डिलीट कर दूँगा, इस टेम्पलेट को मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि फिलहाल मैं एक नया क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। उसके यहाँ पे डिलीट बोल दूँगा, डिलीट कर लूँ और यहाँ पर मैं जाऊँगा क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट में, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे यूबंटू का एआई लॉन्च करना है, मैं लिखूँगा और यूबंटू, ठीक है, यूबंटू यहाँ पर लिखूँगा। टेम्पलेट वर्जन जरूरी नहीं कि हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे टेम्पलेट वर्जन में भी आप डार्क ब्राउन में डाल सकते हो, उसको मैंने यहाँ पर 1.0 डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन में इसमें तो यहाँ पे आपको एक ब्राउज करना है और यहाँ पे आपको यू कर यूपन लेटेस्ट आप लिखा होगा, ठीक है। यूपन टू सब सेलेक्ट कर लेंगे लोग मॉडल जैसे से लेटेस्ट मॉडल, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा यू कंपनी सारे सेलेक्ट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम यू कंपनी है, तो जो भी आप इसी टू इंस्टेंस कनेक्ट कर देते उसका यूजर नेम ध्यान में रखना। फिर मैं जाता हूँ वहाँ पे इंस्टेंस टाइप पे जाऊँगा, इंस्टेंस टाइप पे मैं यहाँ पर टी टू मेट्रो सेलेक्ट करूँ बिकॉज ऑफ ये फ्री टायर रिकॉर्ड है, तो ऑलवेज भी फ्री टायर रिकॉर्ड में टी टू डॉट मेट्रो सेलेक्ट करूँगा। फिर कीपैड्स मैं ये सेलेक्ट करूँगा, वो एक्चुअली जो मेरे टेम्पलेट चल रहे वो टी टू यूज करूँगा। लॉन्च टेम्पलेट में सबमिट भी जरूरी होता है, तो डिपेंड्स कि आपको कौन से रीजन में कौन से जोन में आपको सेलेक्ट करना है, चलो मेट्रो ये जोन में मुझे इसमें ये वाला जोन में सेलेक्ट करना है, नॉर्थ वर्जीनिया के 1 AM में इसको जोन को मतलब US ईस्ट वाले, ठीक है। सो यहाँ पे इस जोन में सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, या तो अभी डिपेंड्स कि मुझे U12 पे कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक ये वाला फिल्म यूज करना क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रॉपर्स में ये चिकटे को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं एडवांस डिटेल में लूँगा। अभी एडवांस डिटेल आपको कंपल्सरी नहीं है आप सिलेक्ट करो, ठीक है। तो मे बी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो, जैसे कि मैंने गूगल पे मैंने पेज क्लिक किया वहाँ पर मैं कॉपी करूँगा उस पर, फिर उसको यहाँ पर डिपेंड्स कि आपको करना है तो नहीं करना है आज, बिकॉज मैं सर्विसिंग कर लूँगा वहाँ पे, अगर जरूर भी हम लोग कंटेंट में इंस्टॉल करने का जरूर नहीं है कि हम लोग उसके लिए हम लोग लॉन्च ये एप्लीकेशन के लिए हम लोग लॉन्च, तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे नहीं करना है यूजर डाटा यहाँ पे फिल नहीं करूँगा, मैं इसी को क्रिएट करूँगा यहाँ पे। आफ्टर क्रिएट करने के बाद मैं अपने लॉन्च टेम्पलेट में आ जाऊँगा, लॉन्च टेम्पलेट आने का तो बस मैंने क्लिक जो मैंने अभी टेम्पलेट बनाया था टेम्पलेट यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ऑप्शन उनको अगर यहाँ पे हर चीज़ें मुझे शुरू कर इन्फॉर्मेशन देना यहाँ था कि भाई ये सिटी इंस्टेंस था सेलेक्ट किया स्टोरेज में तो जो बाइटिफॉल जो भी होता है और रिसोर्स टाइप तो जरूर नेटवर्क इंटरफेस में जो भी आपके ईमेल जो भी लॉन्च कर लिया वो मैं सबमिट भी करूँगा। सबमिट मैंने सेलेक्ट किया था नॉर्थ वर्जीनिया ईस्ट वन ए, जो बाई
जो इसका जो सबनेट आईडी है उनको सबनेट आईडी मिल जाएगी। जो भी सिटी इंस्टेंट लॉन्च होगा यहाँ पे हर चीज़ से प्रॉपरली फिलअप हो जाएगी। एडवांस डिटेल में जो भी फिलहाल एक्चुअली मेरे को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर नहीं, इसलिए मैं यहाँ ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर इंस्टेंस में जाऊँगा। अभी टेम्पलेट मैंने क्रिएट कर दी, अभी टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद मैं लॉन्च कर सकूँ, तो टेम्पलेट लॉन्च करने का ऑप्शन बहुत ईजी है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जैसे यहाँ पे वो आओगे इंस्टेंसेस में लॉन्च टेम्पलेट्स में, ठीक है, तो एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, एक लॉन्च इंस्टेंस बट हम लोग ने फॉर्म नहीं भरा है, हम लोग ने टेम्पलेट क्रिएट किया है राइट, तो इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और अपना जो भी मुझे टेम्पलेट लॉन्च करने का जो मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पे मुझे शो करना है। तो यहाँ पे मैं यू टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा, वो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे टेम्पलेट को वन दिया था, तो बाय डिफॉल्ट वन पे जरूर आएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा जाके मैं लॉन्च करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने लॉन्च इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, डायरेक्टली मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पर मैंने इंस्टेंस का लॉन्च किया, फिलहाल मेरा EC2 इंस्टेंस प्रॉपरली जो मैंने टेम्पलेट लॉन्च किया था उस पर चल रहा है यहाँ पे। देखिए तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।